मैं आपकी मांग भर देता हूँ। मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा है, बिल कौन भरेगा? दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे ड्रीम गर्ल 2 के 90 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 10 करोड़ 68 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 40 करोड़ 68 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 66 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया। वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन में यानी शुक्रवार के दिन में लगभग 4 करोड़ 60 लाख का नेट कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 71 करोड़ 43 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 85 करोड़ 30 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 96 करोड़ 30 लाख हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 90 दिन के कलेक्शन की तो आज इस फिल्म के कलेक्शन में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने 90 दिन में इंडिया में लगभग 6.5 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 42 करोड़ है और ये फिल्म अब तक के कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस में हिट हो चुकी है। आज ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ का कलेक्शन भी करने जा रही है और फिल्म जैसे कलेक्शन करती दिख रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट जरूर होगी। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।